अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज रही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, जैसे कि पता ही होगा कि आज 7 नवंबर है और आज आखिरी चरण बिहार विधानसभा का आखिरी चरण होना था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वोटिंग हुआ है कई जगह में भी। और चलिए बात करेंगे यहाँ के कुछ लोगों से, यहाँ जो लोग वोटर हैं उन लोगों से कि वो लोग किनको किनका रुझान सबसे ज़्यादा तेज है, यहाँ पे लोग वोट किनको किए हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे यहाँ के करीबी लोग हैं, मैं मेरा बूथ यहीं पे है तो मैं उनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या हुआ साहब? मुंतजीर आलम। मुंतजीर साहब, आप ये बताइए कि कैसा रहा यहाँ पे वोटिंग? कोई हो हल्ला झगड़ा झटोल कुछ हुआ ऐसा? कुछ शांतिपूर्वक हुआ। ये बताइए क्या इस बार किसका पल्ला भारी दिख रहा है? क्या पुराना विधायक जीतेगा या फिर कोई नया कैंडिडेट है? बदलाव हम लोग चाह रहे हैं। आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? अच्छा, बदलाव चाह रहे हैं तो क्या लगता है रुझानों के तहत कैसा लग रहा है कि कैसा हुआ है वोटिंग यहाँ पे? अनजाने में सब निकल रहा है। तो सर बताते चले कि 61% वोट हुआ है यहाँ पे, 61% वोट हुआ है और यहाँ के लोग अभी अंजार नेमी को वोट किए हैं। विधायक तौसीफ साहब भी हैं जो कि 16 साल से विधायक रह चुके हैं यहाँ के, और भी लोग हैं, 9 कैंडिडेट हैं। 9 कैंडिडेट में देखना ये है कि लोग किसको ज़्यादा सपोर्ट किए, किस पर रुझान भारी है। तो मुंतजिर साहब, आप ये बताइए कि क्या लगता है आप लोग की जो पार्टी है MIM में आप काम किए हैं, MIM जीत पाएगी यहाँ से? इंशाल्लाह। आपका नाम क्या भाई जान? मोहम्मद कैसर आलम। कैसर आलम साहब, क्या करते हैं आप? मैं मिस्त्री का काम कर रहा हूँ। घरे में रह गया बाहर में? घर में ही हूँ, 5-7 साल से। क्या कैसा फील्ड है इस बार? फील्ड इस बार MIM का है। MIM का आप वोट दे दिए? जी। आप निशान दिखाइए, वोट कहाँ से दिए आप? देखे दोस्त, इन्होंने अपना मतदान किया है और MIM को किया है। अच्छा, आप MIM को वोट क्यों किए ये बताइए? अच्छा कैंडिडेट है, बढ़िया कैंडिडेट है। आप अवेसी से अवेसी को पसंद करते हैं या फिर अंजार नेमी को पसंद? दोनों को पसंद करते हैं। क्या लगता है आपके अंजार नेमी सब जीत पाएंगे इस बार? चलिए बात करते हैं, और यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चा है उनसे बात करते हैं। आपका उम्र कितना होगा? जी मेरा लगभग 19 होगा। 19 जी। वोट किए आप? जी। किसको वोट किया? आपका पहला वोट होगा इस बार? जी पहला। पहला वोट आप किसको दिए? जी फर्स्ट बार MIM को। MIM को दिए? क्यों MIM को दिए आप? क्योंकि उसका कैंडिडेट अच्छा है और वो भी अच्छे हैं, क्योंकि इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। पढ़ाई करते हैं आप? जी स्टूडेंट। कितने क्लास में हैं? अभी 8 में है। 8 में है, 8 में है और 19 उम्र। जी ये भी बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? प्राइवेट में। प्राइवेट में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट में पढ़ाई नहीं होती है क्या? जी पढ़ाई होती है ना। गवर्नमेंट में पढ़ाई नहीं होती है? होती है। तो फिर प्राइवेट में क्यों पढ़ते हैं आप? जी तो सिचुएशन स्ट्रांग वाला होता है, होती है तो ये बताइए कि अगर स्ट्रांग वाला पढ़ाई के लिए आप वहाँ जाते हैं कितना मंथली लगता है आपको? खर्चा कितना पड़ता है? जी लगभग 1000 से लगता है। 1000+ खर्चा पड़ता है। अच्छा, तो यानी कि आपको लगता है ऐसा कि सरकारी स्कूल में उतना अच्छा पढ़ाई नहीं होता है जितना होना चाहिए, तो इसमें किसकी कमी है? जी गवर्नमेंट की कमी है। गवर्नमेंट की जो कमी है और यहाँ के लोकल प्रतिनिधि की भी कमी है। तो ये बताइए, आपने वोट दिया पहला? जी। क्या लगता है पहला वोट आपका कामयाब होगा? इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं कि होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाब होगा, आपका कहना मतलब ये है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे 61% वोट पड़ा है जी। तो 61% में सबसे ज्यादा वोट किसको पड़ा होगा? जैसे मेरी ख्वाहिश के अंदर से। अच्छा, आपकी निजी राय है कि वो अंजार नेमी साहब को मिला है और लोग क्या दिए हैं वो लोग ही जानते हैं। तो क्या लगता है अंजार नेमी साहब जीत जाएंगे या ओवैसी जीत जाएंगे? तो यहाँ पे कुछ हो पाएगा, कुछ बदलाव हो पाएगा यहाँ पे? जी इंशाल्लाह वो जीत करके अच्छा ही काम करेंगे। अच्छा ही काम करेंगे, यानी कि 16 साल आप लोगों ने एक विधायक को देखा, 5 साल में कुछ कर पाएंगे? जी सर इंशाल्लाह कुछ कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं क्या है यहाँ पे उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? महाजुद्दीन साहब। घर? भदेसर भोड़ादा पंचायत। क्या लगता है आप लोग इस बार, हमेशा आप लोग कांग्रेस के नाम पे वोट करते थे, कांग्रेस को दिए थे, और इस बार किसको दिए आप लोग? हम MIM को दिए। क्यों आप MIM को क्यों वोट किए इस बार? इसलिए कि बार बार उसको जीतागढ़ के कोई काम कर नहीं रहा। क्या लगता है कि आप MIM को वोट किए हैं, कहीं ना कहीं आपको धर्म की राजनीति वाली पार्टी बोला जाती है MIM को, तो क्या धर्म के नाम पे वोट किए सिर्फ? नहीं, धर्म के नाम से नहीं वोट किए हैं। धर्म के नाम से नहीं, क्या लगता है काम के नाम पे वोट किए आप उनको? काम करने तो काम करेंगे वो? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, तो इसी पे विश्वास है आपको? बिल्कुल विश्वास है। अच्छा एक बात है, वो कभी भी अपने हमेशा अपने भाषण में दीन व ईमान की बात करते हैं, क्या लगता है कि ना करे? उसकी और बात है, मगर काम करेंगे वो, काम करेंगे इतना विश्वास है। अच्छा, आप ओवैसी साहब का 6 सभा हुआ, कैसे सभा में पहुंचे थे आप? 2 सभा में पहुंचे। 2 सभा बहादुर सभा में पहुंचे।
कैसा लगा वो आपको, कैसे लगे भाषण? में सभा में पहुंचे हैं तो बहुत अच्छा जी भाषण लगा। जिस तरह से भाषण दिए वो उस तरह से राशन दे पाएंगे क्या? एकदम बिल्कुल क्या लगा? मौजूदा विधायक से बेहतर काम करेंगे? हाँ, बेहतर काम। चलिए दोस्तों, और एक अंकल है उनसे ही बात करते हैं। आपका नाम क्या अंकल? मोहम्मद नईमुद्दीन साहब। आपका घर भी, आपका भी घर बता सर जी। अच्छा ये बताइए, भोड़ा पंचायत में बूथ नंबर आपका 174 ए और 175 है, इनमें लगभग 2000 प्लस पोलिंग हुआ है। तो बताइए 2000 वोट में सबसे ज्यादा वोट किसको पड़ा है? एमआईएम को पड़ा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एमआईएम को पड़ा? एमआईएम पार्टी हमारे इसमें मैंने अच्छे पार्टी है, इसलिए इसी सोच करके उसका कैंडिडेट जो है अंजार नईमी है थी। और कैंडिडेट अच्छा देख करके ऊपर में उसका देखे मजबूत पार्टी देख करके हम लोग उनको वोट दिए जी। अच्छा एक बात बताइए, आप ओबीसी को देखते हुए वोट किए हैं जी? जी। ना ओबीसी सत्ता में बैठ पाएगा, ना विपक्ष में बैठ पाएगा, कुशवाहा जी का सरकार बनने से बहुत दूर रही। तो क्या लगता है कि वो अगर सत्ता में भी नहीं बैठेगा, विपक्ष में भी नहीं बैठ पाएगा, ना सरकार बना पाएगा ना विपक्ष में बैठ पाएगा, तो कैसे काम कर पाएगा आप लोग का वो? उसको हम लोग इसलिए वोट दिए कि वो सत्ता में बैठे या ना बैठे, सरकार बने या ना बने, सरकार बनने से बेहतर वो ऐसे बगैर सरकार का काम करे। अच्छा आपके विधायक जी जो 16 साल से थे, आपके विधायक जी 16 साल से थे, वो इस बार ये बोले थे कि आप लोग हमें वोट करके जिताएं और हम मंत्री बनाएंगे। तो अब मंत्री तो आपका बनता, वो बेहतर काम करता, आप फिर क्यों उनकी? उस मंत्री बनने से बेहतर ये एमआईएम हमारे काम करेंगे। एमआईएम काम करेंगे जी। अच्छा तो ये बताइए कि क्या लगता है आपके जो लड़के हैं वो लोग प्राइवेट में पढ़ते हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हमारे एक भतीजा सब जो है वो लोग प्राइवेट में पढ़ते हैं, हमारा अपना जो एक लड़का है वो सरकारी में पढ़ते हैं। अच्छा तो सरकारी में पढ़ते हैं, तो सरकारी में पढ़ाई जो हो रहा है तो आजकल बहुत मैंने ढीला पढ़ाई हो रहा है। ढीला पढ़ाई हो रहा है जी, इसी कारण से मैंने भतीजा उन लोगों को प्राइवेट में डाल दिए हैं। प्राइवेट में मजबूती पढ़ाई हो रही है इसलिए वो लोग प्राइवेट में पढ़ रहे हैं जी। क्या लगता है इसमें आप कहीं ना कहीं अच्छे पढ़ाई के लिए अपने लड़कों को प्राइवेट में दे रहे हैं, तो इसमें कमी किसकी, सरकार की है या यहाँ के लोगों की? कमी है सरकार की। अच्छा सरकार की कमी है। अच्छा क्या लगता है अगर जीत जाएंगे एमआईएम तो ये सब कमियों को दूर कर पाएंगे? इंशाल्लाह जरूर दूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो ये भोड़ादा पंचायत का बूथ नंबर 174 ए और 175 है, यहाँ पे लोग एमआईएम को वोट कर रहे हैं, ये कह के कर रहे हैं कि अगर एमआईएम जीत जाएगी तो यहाँ के जो जमीनी परेशानियां सबको दूर करने का काम करेंगे। मैं आपका दोस्त रियाज रही, आपका अपना चैनल अपना गाँव से, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।